أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear student, welcome to Earth Science. हाँ जी, आज हम लोगों ने यूनिट टू शुरू करना है जो कि हमारे पास है सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन में हमारे पास है जी टॉपिक शुरू करते हैं. इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट लिविंग थिंग ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज. आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो लिविंग थिंग है वो जो है वो मुसलसल ग्रो और इंक्रीज इन साइज साइज में बड़ी होती है. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व डेट ऑफ स्प्रिंग रिजम्बल देयर पेरेंट्स. उसके बाद आप लोगों ने ये बात भी नोट की होगी कि जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन के मुशाबे होते हैं. वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल. हमने पढ़ा है कि तमाम की तमाम जो जानदार चीजें हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं. हेंस मोर एंड मोर सेल आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग. तो इसका मतलब ये हुआ लिहाजा कि हमें जो है वो मुसलसल जो है वो सेल जो है हमें मुसलसल जो है वो सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है. ठीक है जी. वी डू न्यू सेल. व्हाई वेयर डू न्यू सेल कम फ्रॉम. ये जो न्यू सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं. द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो इसका आंसर ये है कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल की डिवीजन से बनते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो टॉपिक क्या आते हैं जी सेल डिवीजन. कहते हैं सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल. सेल डिवीजन वो तरीकाकार है जिसमें जो है वो एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में चेंज होता है. द सेल व्हिच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल. जो सेल डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं. द सेल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल. और जो सेल जो है वो नए बनते हैं उनको डॉटर सेल कहते हैं. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासेस थ्रू ए फेज कॉल्ड इंटरफेज. सेल डिवीजन से पहले जो पेरेंट सेल हैं वो एक फेज से गुजरते हैं जिनको इंटरफेज कहते हैं. ड्यूरिंग क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम आर डिवेलप. इसमें इंटरफेस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ठीक है जी जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उनकी जो है वो कॉपीज बनती हैं. ठीक है, तो जिससे जो है वो डॉटर सेल में वो कन्वर्ट होते हैं पेरेंट सेल. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व टू फेसेस. सेल डिवीजन जो है वो दो फेसेस पे मुश्तमिल है. न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस. पहली का नाम जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन है और दूसरे में साइटोकाइनेसिस है. न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियस की डिवीजन होगी विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. उसके बाद साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होगी साइटोप्लाज्म की. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी न्यूक्लियर इज ए पार्ट ऑफ. न्यूक्लियर के बारे में ये आप लोगों को बताया गया है. उसके बाद नीचे आ जाएं, हमारे पास है सेल डिवीजन ऑफ टू टाइप विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस. सेल डिवीजन को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक का नाम है माइटोसिस और दूसरे का नाम है मियोसिस. तो माइटोसिस में क्या होता है जी, कहते हैं कि माइटोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल विद सेम. अच्छा जी, माइटोसिस में क्या है कि जो पेरेंट सेल्स हैं वो टू डॉटर सेल में डिवाइड होंगे. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके पास लेबल डायग्राम है. ये लेबलिंग, इसमें इंटरफेस. उसके बाद आ गया जी न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हुआ कि दो सेल बने हैं ठीक है, और जिनको जो है वो डॉटर सेल का नाम दिया गया है. तो माइटोसिस से मेन बात हमें ये पता चली है कि जो सेल्स है पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में चेंज होता है. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एज इन द पेरेंट सेल. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस. अब इंटरफेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाते हैं. टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म. दो सेट बनते हैं क्रोमोसोम के ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड द टू डॉटर. टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू डॉटर न्यूक्लियाई. आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन ए शैलो ग्रोव arises in the middle of the cytoplasm which deepens further and divide the cell into two daughter cells each having nucleus. ये आपके सामने animation आ रही है आपके computer screen पे. ये देखें यहाँ पे ये जो है वो division होके दो में change हो गए हैं. ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ये animation show हो रही है आपके पास. उसके बाद है जी meiosis.
meiosis is a process by which the nucleus of cell divides twice to form four daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half. अच्छा जी, मियोसिस में क्या है जी कि जो पेरेंट सेल है वो फोर डॉटर सेल में चेंज होता है या रिड्यूस करता है कंपेयर टू दी पेरेंट सेल, और उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखें जी, इसकी जो है वो पिक्चर आ गई है, पेरेंट सेल हैविंग फोर क्रोमोसोम्स हैं, उसके बाद जो है वो हमारे पास मियोटिक वन डिवीजन हुई है, फिर उसके बाद जी हमारे पास मियोटिक टू डिवीजन हुई है जिसमें हमारे पास दो पेयर बने हैं, ठीक है जी, डॉटर सेल के और दो ये ऊपर पेयर बने हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो चार डॉटर सेल में जो है वो प्रोड्यूस करता है, और माइटोसिस जो पहले हमने पढ़ा है उसमें टू डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन, मियोसिस जो है वो टू डिवीजन पे मुश्तमिल है, पहले है जी मियोटिक वन डिवीजन, जहाँ पे ये जो है ये आप लोगों को मियोटिक वन डिवीजन जो है वो नजर आ रही है, उसके बाद एंड मियोटिक टू डिवीजन, ड्यूरिंग मियोटिक वन डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मियोटिक वन डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ में चेंज होते हैं, ठीक है जी, कंपेयर टू पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के मुकाबले में। मियोटिक टू डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन्ड इन फोर डॉटर सेल, और मियोटिक टू जो है ये माइटोसिस की तरह है जिसमें दो दो डॉटर पेयर बनते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड मिटोसिस है, माइटोसिस है, तो माइटोसिस क्या है जी, ड्यूरिंग माइटोसिस टू डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, ड्यूरिंग मियोसिस फोर डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। मियोसिस में दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, पहले मैंने आप लोगों को बताया, और मियोसिस में कितने होते हैं, चार। The number of chromosomes in daughter cell remain the same as in the parent cell. इसमें जो number of chromosomes हैं वो same रहते हैं mitosis में, और इसमें जो है वो क्या हो जाता है जी, reduced to half हो जाते हैं। Mitosis occur in general body cell. इसमें जनरल बॉडी सेल में जो है वो माइटोसिस अकर होती है, पप्पू पजीर होती है। मियोसिस अकर टू प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म एंड एग्स इन एनिमल एंड स्पोर इन प्लांट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कवर हुआ, इस हमारे पास एक चीज रह गई थी उस पे आते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस है। यू नीड टू नो न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ होल सेल। न्यूक्लियस क्या है, सेल का ऐसा है जो कि तमाम एक्टिविटी जो है वो सेल की कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो कि डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। डीएनए स्टैंड फॉर डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज मटेरियल दैट कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉर डेवलपिंग ए न्यू सेल आर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। दैट इज वाई डीएनए सेल हेरिडिटी मटीरियल। For one kind species of organism, the number of chromosomes in cell remain the same. एक किस्म की जितनी भी species होंगी उसमें chromosome जो है वो same होगा। However, when the gametes are formed is an individual sperm and egg in animal or spore in plant, the number of chromosomes are reduced to half in the gametes and spore. ये वही बात है जो हमने पहले अभी जो है वो differentiate में पढ़ी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह जो है वो हम नए टॉपिक के साथ ऑनलाइन होंगे।